दोस्तों, हाल ही में मैंने द बॉय बिहाइंड द डो नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डेविड चाबुनर और जस्टिन पावल ने मिलकर डायरेक्ट किया है। IMDb इस फिल्म को मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 97% फ्रेश। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर द बॉय बिहाइंड द डो मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक घर को देखते हैं जो कि एक रिमोट फार्म के बीच बना हुआ था। यहाँ एक कार आती है और एक इंसान जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता वो इस कार की डिक्की को ओपन करता है। यहाँ कार की डिक्की में हम दो बच्चों को देखते हैं जिनके मुंह पर डक टेप लगा हुआ था और उनके हाथ भी बंधे हुए थे। दिस मेंट कि जो पर्सन इन्हें यहाँ लेकर आया था वो कोई किडनैपर था। खैर, वो किडनैपर इन दोनों में से एक बच्चे को कार में से निकाल कर घर के अंदर ले जाता है और इसी के साथ स्टोरी फ्लैशबैक में कुछ आवर्स पहले जाती है जहां हम बॉबी और केविन नाम के दो फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस होते हैं। दोनों बच्चे एक बड़े से फील्ड में खेल रहे थे और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो दोनों यहाँ एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपनी लाइफ के एंड तक वो एक दूसरे के साथ रहेंगे और बड़े होकर कैलिफोर्निया के बीच पे घूमेंगे। खेल खेल में ही अचानक केविन कहीं गायब हो जाता है और बॉबी उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। बॉबी एक शेडी एरिया में आता है और केविन को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी कोई बॉबी पे अटैक कर देता है जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ बॉबी अभी भी कार की डिक्की में था और वो किडनैपर केविन को उठाकर घर के अंदर ले गया था। यहाँ कार के डिक्की में बॉबी किसी तरह अपने मुंह पर लगे डक्ट टेप को काट कर हटा देता है और फिर अपने हाथों को फ्री कराता है। बॉबी कार से बाहर आता है और वो अपने आप को एक गैराज में देखता है। गैराज से बाहर निकलकर बॉबी भागने लगता है, लेकिन तभी उसे पास के घर से केविन की आवाज आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। केविन की आवाज सुनकर बॉबी उस घर के अंदर एंटर करता है जहां वो लिविंग रूम में उसी किडनैपर को बैठे हुए देखता है। वो किडनैपर यहाँ बैठकर टीवी देख रहा था, सो बॉबी किसी तरह किचन के थ्रू उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ से केविन की आवाज़ आ रही थी। इसी बीच मेन डोर की बेल रिंग होती है और दरवाज़ा खुलने पे क्रीप नाम का बंदा घर के अंदर आता है। क्रीप किडनैपर को बहुत सारे पैसे देता है, जिसके बाद किडनैपर क्रीप को एक रिस्ट वॉच देकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। बॉबी एक रूम में छिप जाता है और इसके बाद वो केविन को खोजने लगता है। अचानक ही बॉबी को एक रूम से केविन की आवाज़ आती है और इसीलिए बॉबी अपने रूम से एक वेंट के थ्रू केविन की आवाज़ सुनने लग जाता है। बॉबी केविन को रोता हुआ सुन पाता है और उसे वहां क्रीप की भी आवाज सुनाई देती है जो कि शायद केविन को टॉर्चर कर रहा था। बॉबी इन दोनों की आवाज सुन ही रहा था कि तभी वहां रखी एक पेपर वेट जमीन पर गिर जाती है जिसकी आवाज क्रीप सुन लेता है और अलर्ट हो जाता है। इसके परिणाम अनुसार क्रीप फौरन उस रूम में पहुंच जाता है जहां बॉबी छुपा हुआ था और क्रीप को देखकर बॉबी फौरन वहीं पर ये क्लोजेट में जाकर छिप जाता है। और ऑब्वियसली क्रीप को पता चल गया था कि बॉबी उसी क्लोजेट में है, लेकिन जैसे ही क्रीप क्लोजेट को खोलता है बॉबी क्लोजेट के अंदर ही एक ब्रूम को पकड़ के उसके सर पे जोर से मार देता है। इस अटैक से क्रीप जमीन पे गिर जाता है और बॉबी यहाँ से भागकर किचन में चला जाता है और क्रीप भी उठकर उसके पीछे भागता है। अब यहाँ क्रीप और बॉबी में कैट एंड माउस का चेस चलता है, लेकिन इसी भाग दौड़ में क्रीप का पैर पानी में फिसल जाता है और उसका सर एक रैक से टकरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ऐसे में बॉबी क्रीप के पास जाकर उसे चेक करने लगता है, लेकिन इतने में ही क्रीप को होश आता है और जैसे ही वो झटके से ऊपर उठता है उसे बॉबी के हाथ में रखी नाइफ लग जाती है जिससे उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। बॉबी बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि जाने अनजाने में ही उसके हाथ से किसी का कत्ल हो गया था। वो वहीं बैठकर रोने लगता है और इसी सब में शाम हो जाती है। खैर, बॉबी फाइनली उस रूम को ढूंढ लेता है जहां से केविन की आवाज आ रही थी, लेकिन यहां पहुंचकर वो देखता है कि रूम के बाहर लॉक लगा हुआ था। वो रूम के बाहर से ही केविन से पूछता है कि केविन कैसा है और केविन बोलता है कि वो अंदर चेन से बंधा हुआ है। अब रूम के डोर को ओपन करने के लिए बॉबी घर में कुछ कीज या टूल्स वगैरह सर्च करने लगता है और इसी दौरान उसे एक ट्रंक मिलता है जिसके अंदर बच्चों के कपड़े थे जो कि खून में सने हुए थे। दिस क्लियरली मेंट कि यहाँ पहले भी कई बच्चे किडनैप होकर आए हैं और शायद उन्हें यहाँ जान से मार दिया गया था। इस सर्च के दौरान बॉबी को एक पुराना टेलीफोन भी मिलता है जिसकी वायर कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन बॉबी इस टेलीफोन का वायर खोज कर किसी तरह से कनेक्ट करता है एंड देन वो 911 पे कॉल करके पुलिस से कॉन्टैक्ट करता है। वो पुलिस को बताता है कि उसे और उसके फ्रेंड को किसी फार्म हाउस पर किडनैप करके रखा गया है और इतने में ही घर के बाहर किडनैपर की कार आ जाती है। बॉबी टेलीफोन को लेकर क्लोजेट में छिप जाता है। दूसरी तरफ केविन अपने रूम में लगे वेंट के स्क्रूज को खोलने की कोशिश करता है जिसके दौरान उसका एक नाखून उखड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और किसी तरह उस वेंट को खोल लेता है। इतने में ही वो किडनैपर यहाँ आकर केविन के रूम में आ जाता है और उसके सामने केविन बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है।
केविन को बेहोश देखकर किडनैपर लिविंग रूम में जाकर अपना टीवी ऑन करता है और उसका वॉल्यूम मैक्स कर देता है, जिससे पूरे रूम में टीवी की आवाज भर जाती है। यहाँ बॉबी को याद आता है कि उसने क्रीप की डेड बॉडी को वहीं किचन में छोड़ दिया था। बॉबी भागकर किचन में जाता है और क्रीप की डेड बॉडी को घर के पीछे के स्टेयर से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो किचन में पड़े क्रीप के ब्लड को अपने रूमाल की मदद से साफ कर देता है। नाउ बॉबी एक रूम में बेड के नीचे छिप जाता है और वो किडनैपर भी इसी रूम में एंटर करता है। बेड के नीचे से बॉबी देखता है कि किडनैपर रूम में रखे एक लॉकर के अंदर बहुत सारे पैसे रखता है जो कि क्रीप ने उसे दिए थे, और इसके बाद वो नहाने चला जाता है। बॉबी बेड के नीचे से बाहर आता है और उस लॉकर को देखता है, और इसी दौरान उसे लॉकर में एक एनवेलप मिलता है जिसमें केविन की फोटोग्राफ्स थी। बॉबी को यहाँ एक की भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इस की को वो तुरंत केविन के डोर के रूम में लगा कर देखता है, बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट ये की इस डोर की नहीं थी। बॉबी फ्रस्ट्रेट होकर डोर को नाइफ की हेल्प से किसी तरह खोलने की कोशिश करता है, और इसी दौरान उसके हाथ पे एक कट आ जाता है, और तभी उस किडनैपर की आवाज आती है जो कि अपने रूम से बाहर आ रहा था। बॉबी यहाँ से भाग जाता है और बाथरूम में छिप जाता है। किडनैपर इस रूम के बाहर आता है और यहाँ उसे रूम के डोर पर कुछ स्क्रैचेस दिखाई देती है जो कि बॉबी के नाइफ से इस डोर को खोलने की वजह से आए थे। किडनैपर ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ केविन के अलावा कोई और भी है। किडनैपर केविन के रूम के अंदर जाता है और इसके बाद हमें केविन की चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो कि कुछ मिनट्स के बाद एकदम से बंद हो जाती है। यहां बॉबी ने बाथरूम को अंदर से लॉक कर लिया था और वो किडनैपर यहां आता है, बट वो डोर को ओपन नहीं कर पाता, इसीलिए वो डोर को धक्का देकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वो एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी की मदद से इस डोर पे अटैक करता है, जिससे बॉबी घबरा कर बाथरूम में रखे एक रेजर को उठा लेता है। किडनैपर कुल्हाड़ी की हेल्प से इस डोर में एक होल कर देता है और वहां से हाथ डालकर डोर नॉब को खोलने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में बॉबी किडनैपर के हाथ पर उस रेजर से अटैक कर देता है, जिससे कि किडनैपर के हाथ पे एक कट लग जाता है। तभी अचानक हम घर के बाहर पुलिस के कार की आवाज सुनते हैं, और ऐसे में किडनैपर एक चेयर से बाथरूम का दरवाजा अटका के यहाँ से चला जाता है। घर के बाहर ऑफिसर स्टुअर्ड आए थे और घर का मेन डोर ओपन होता है, और यहाँ हम पहली बार उस किडनैपर को देख पाते हैं। और दोस्तों, ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक लेडी थी। जी हाँ दोस्तों, वो लेडी ऑफिसर स्टुअर्ड को अपना नाम बर्टन बताती है। स्टुअर्ड उससे पूछता है कि क्या इस घर में कोई बच्चा है, इस पे बर्टन उसे मना कर देती है। स्टुअर्ड बर्टन से उसे अपनी आईडी लाने के लिए कहता है और बर्टन घर के अंदर चली जाती है। स्टुअर्ड को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि बर्टन ने इतनी तेज वॉल्यूम पर टीवी क्यों चला रखी है, और इसीलिए उसे बर्टन पे थोड़ा शक हो गया था। यहाँ बॉबी हेल्प के लिए आवाज लगा रहा था, लेकिन टीवी की वॉल्यूम की वजह से उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब बर्टन के अंदर गए हुए काफी देर हो गया था, इसलिए स्टुअर्ट घर के अंदर एंटर कर जाता है। स्टुअर्ट सबसे पहले टीवी को ऑफ करता है, और तभी उसकी नजर अपने सामने स्टेयर्स पे जाती है जहां बॉबी आ चुका था। बॉबी स्टुअर्ट से हेल्प मांगता है, लेकिन तभी बर्टन स्टुअर्ट पर पीछे से एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है, जिससे स्टुअर्ट ऑन स्पॉट ही मर जाता है। नाउ बॉबी यहाँ से भागता है और बर्टन उसके पीछे दौड़ती है। बर्टन बाथरूम में चेक करती है, बट बॉबी यहाँ नहीं था। बर्टन पूरे घर में बॉबी को आवाज लगाते हुए एक ऑफर देती है कि अगर वो केविन को बचाना चाहता है तो वो उसे केविन की जगह अपने साथ रख सकती है, लेकिन बॉबी उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहा था। बर्टन घर के बैक स्टेयर्स के पास आती है, जहां वो क्रीप की डेड बॉडी को पड़ा हुआ देखती है। बर्टन अब पूरे गुस्से में बॉबी को खोजने लगती है, और उसे खोजते हुए एक रूम में जाती है जहां ढेर सारा टॉर्चर का टूल रखा हुआ था। यहां बॉबी पीछे से बर्टन पे अटैक कर देता है, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए बर्टन ब्लैकआउट हो जाती है। बॉबी मौके का फायदा उठाकर बर्टन को एक पोल से हैंडकफ कर देता है और उसकी पॉकेट से कीज निकालकर यहां से भाग जाता है। बर्टन के पास स्टुअर्ट की गन थी, जिसे वो बॉबी पर फायरिंग करने लगती है, और इन्हीं में से एक बुलेट बॉबी के पैर को घायल कर देती है। बॉबी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए केविन के रूम की तरफ जाता है, लेकिन इस रूम से बर्टन ने केविन को शिफ्ट कर दिया था, और बॉबी किसी तरह दूसरे रूम में केविन को खोज लेता है। यहाँ आकर वो देखता है कि केविन के गले में एक वायर्ड कॉलर लगी हुई थी और उसके पैर में चेन्स थे। केविन के पैर के चेन्स उसी की से खुल जाते हैं जो कि बॉबी को लॉकर में मिला था, एंड दिस वॉज वेरी नाइस। अब बॉबी और केविन घर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन स्टेयर से नीचे आते ही केविन के कॉलर में इलेक्ट्रिक शॉक्स आने लग जाते हैं और केविन तड़पने लगता है। दरअसल पूरे घर में इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी के डिवाइसेस लगे हुए थे, और जैसे ही वो कॉलर उनके नज़दीक जाता था, उसे पहनने वाले को इलेक्ट्रिक शॉक लगना स्टार्ट हो जाता था। ऐसी हालातों में बॉबी डिसाइड्स कि वो प्लायर की हेल्प से इस कॉलर को कट कर देगा, और इसलिए बॉबी उसी टॉर्चर रूम की तरफ चल देता है जहां उसने एक प्लायर पड़ा हुआ देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम बर्टन को देखते हैं, जिसने उस पोल को ही ढीला कर दिया था जिससे उसे हैंडकफ किया गया था, और जैसे ही बॉबी रूम से प्लायर लेने जाता है, बर्टन उसे पकड़कर उसके वुंड पे उसे हर्ट करती है।
बॉबी प्लायर से बॉटम की थंब भी कट कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। गराज से बाहर आकर बॉबी फ्लोर पर ही बैठ जाता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था और वो चिल्लाने लगता है। केविन बॉबी की आवाज़ सुन लेता है और विंडो से बॉबी को गराज के बाहर देखता है। बॉबी अब बेहोश होने लग गया था और केविन बॉबी की हेल्प के लिए बाहर भागता है। स्टेयर से नीचे आते ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह बाहर आ जाता है और बॉबी के पास पहुंचता है। बॉबी के पास रखे प्लायर से वो अपना कॉलर काट लेता है और फिर बॉबी को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो दोनों लाइफ के एंड तक बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और ये एंड नहीं है। बॉबी और केविन स्टीवर्ट की कार में जाकर छिप जाते हैं और यहाँ बर्टन फ्री हो चुकी थी क्योंकि वो एक्स लेकर बॉबी और केविन को ढूंढने लग गई थी। केविन स्टीवर्ट की कार में रखे फर्स्ट एड से बॉबी के वुंड को कवर करता है और यहाँ उसे एक टेजर गन भी मिल जाता है जो वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद केविन कार के वॉकी टॉकी से पास की पेट्रोलिंग यूनिट को बताता है कि स्टीवर्ट की डेथ हो चुकी है और वो किलर उनके पीछे पड़ी है। पुलिस उन्हें बताती है कि वो जल्द से जल्द उनकी हेल्प के लिए यहाँ आ रही है। तभी यहाँ कार के बाहर बर्टन आ जाती है जो कि एक्स से कार के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ग्लास काफ़ी स्ट्रांग था जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद बर्टन स्टूअर्ट की डेड बॉडी के पास से कार की कीज ले आती है और कार के डोर को ओपन कर लेती है। बर्टन बॉबी को बाहर खींच लेती है और केविन को कार के अंदर ही बंद कर देती है। बर्टन बॉबी को एक्स से मारने ही वाली थी कि तभी केविन किसी तरह बाहर आ जाता है और अपने पास रखी टेजर गन से बर्टन को शॉक कर देता है। इसके बाद वो और बॉबी पास के फॉरेस्ट में छुप जाते हैं, लेकिन बर्टन यहाँ भी आ जाती है और केविन पे एक्स से अटैक कर देती है। इस अटैक के दौरान एक्स एक वुडन लॉग में फंस जाती है और उसे निकालने के चक्कर में एक्स का हैंडल ब्लेड से अलग हो जाता है। ऐसे में बर्टन इस हैंडल से ही बॉबी को स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम एक फायरिंग सुनते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर ने एग्जैक्ट मोमेंट पर कर दी थी जिससे बर्टन मारी जाती है। बॉबी और केविन को पुलिस अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है और मूवी के क्लोजिंग सीन में हम बॉबी और केविन को फ्लोरिडा के एक बीच पर देखते हैं जहां वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी एंड आई नो इस फिल्म की कहानी काफी सिंपल सी थी। यहाँ में दिखाया गया कि बर्टन नाम की औरत बच्चों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करती थी, शायद उन्हें मार भी देती थी और रैंसम मनी भी लिया करती थी उनके पेरेंट्स से। जब बर्टन ने केविन को किडनैप किया तो ब्रेव बॉबी ने केविन की मदद करी और मूवी के एंड तक केविन भी बहादुरी दिखाकर बॉबी को बचाया। इन शॉर्ट ये दोनों दोस्त एक दूसरे की जान बचाए और इससे इनकी फ्रेंडशिप और भी गहरी हो गई। तो बस यही थी द बॉय बिहाइंड द डो मूवी की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।